मुझे कौन बताएगा आर्टिकल 14 क्या होता है? मेरे ख्याल से तान्या आज बाहर है, तो शायद वो क्लास सुन पाएंगी, बोल ना पाए, आई एम नॉट श्योर, शी वॉज आउट समवेयर। बट आर्टिकल 14 थोड़ा बहुत जितना याद है एक बार मुझे बता दो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। तो उसमें दो चीजें थी, अगर आपको याद नहीं है मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये दो पार्ट्स होते हैं। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कि चाहे क्लर्क हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लॉ के सामने सारे इक्वल हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब यह है कि जो एक जैसे सिचुएशन में है जो लोग, कि अगर चार लोग सेम सिचुएशन में है तो उनके ऊपर एक जैसा लॉ अप्लाई होगा और बाकियों जैसा लॉ अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्पेशल लॉज बनाते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्यों? क्योंकि उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत ट्रबलसम रही है, दे हैव हैड अ वेरी ट्रबलसम हिस्ट्री, तो इसलिए हमें उनके लिए स्पेशल लॉज बनाने पड़ते हैं या उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं दैट दे हैव फेस्ड समथिंग विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, और वो सब लोग उसी सिचुएशन में थे, यानी कि उनके सर्कमस्टांसेस सेम थे। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये है कि अगर मछलियां हैं तो मछलियों की रेस मत करवाओ, घोड़ों की रेस करवाओ और मछलियों को तैरा कर देखो, तब आपको पता लगेगा कौन किस लेवल पर है। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये भी कहा गया है कि अगर सिर्फ एक इंसान एक अलग क्लास बना लेता है, अलग क्लास का मतलब दैट वन पर्सन हैज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो उस एक इंसान को भी अ स्पेशल दिस थिंग कैन बी गिवन। भाविका प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, मैं ना अभी के लिए आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, सो दैट ये सिचुएशन बार बार ना आए। ठीक है, सब म्यूटेड एवरीवन। किसी को कुछ बोलना हो तो मुझे बता देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, हमारी स्लाइड चली गई, यही होता है अगर अनम्यूट छोड़ दो तो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था दैट जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्लासिफाई किया, हमने कहा ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या फिर इनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स फ्रेम होने चाहिए, या इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कुछ अलग लॉज होने चाहिए। जैसे ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज के लॉज अलग हो जाते हैं, इट इज नॉट सेम एज कि आप, ऐसा नहीं है जैसे मैं यहाँ से जाकर लेट्स से उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, मैं जाके ट्राइबल एरिया में भी खरीद सकता हूँ। नहीं, उनके लिए अलग प्रोटेक्शन है, तो उनके लॉज अलग है। तो ये दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये नहीं कि सबके लॉज एक जैसे हैं, जो एक जैसी सिचुएशन में है उनके लॉज एक जैसे हैं, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, और उसके अलावा वी हैव द कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सब समझते हैं कि हम सब इक्वल है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब ये है कि अगर मैं किसी ग्रुप को अलग कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये चार लोग अलग हैं, इनके लिए अलग लॉज बनाओ, या फिर एक एग्जाम है, एग्जाम के अंदर मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, इनके लिए आप कुछ अलग प्रोविजन करिए, या फिर इनका एग्जाम टाइम ज्यादा होना चाहिए, बाकी हुआ 3 घंटे तो इनका 3.5 या 4 घंटे होना चाहिए। तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने का मतलब ये है कि मुझे ये देखना पड़ेगा दैट हाउ आर द डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे पास इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को अप्लाई करने के दो मेथड है। पहली बात दैट दे हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उनके अंदर कोई एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए, उनका सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह अलग होने चाहिए कि वो बाकियों से अलग है। तो पहला एप्लीकेशन ये हुआ, देखा कि वो अलग है या नहीं है। दूसरा, जो मैं लॉ बना रहा हूं उनके लिए, विच एवर लॉ आई एम फ्रेमिंग फॉर देम, और जो मैं ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहता हूं, उसके बीच में देयर हैज टू बी अ लिंक, कि अगर मैं चाहता हूं ये जो बच्चे डिसेबल्ड हैं ये अच्छे से अपना एग्जाम कर पाए, तो मैंने उनको ज्यादा समय दे दिया, तो एक रिलेशन क्रिएट हो गया ना। मैंने लॉ क्या बनाया कि इनको 3.5 या 4 घंटे दो, ये लॉ था। ऑब्जेक्ट क्या था कि अपना एग्जाम आसानी से कर सके क्योंकि ये फिजिकली डिसेबल्ड हैं। तो ऑब्जेक्ट का रिलेशन उस लॉ से होना चाहिए। जैसे हम शेड्यूल कास्ट के लिए अगर लॉज बनाते हैं तो क्या रिलेशन होता है, दैट बिकॉज देव हैड अ ट्रबलसम पास्ट तो ये सेम लाइन पर आ सके हमारे साथ, या फिर इनको जो ट्रबल्स हुई है जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई छूट गई या फैमिली वाइज इनको वो चीजें नहीं मिल पाई, तो आज वो लोग उसी पॉइंट पे हमारे साथ आ सके। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिजर्वेशन कर दिया।
तो अब वो रिजर्वेशन इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट दैट आई वांट टू अचीव, दिस इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये दो चीजें अप्लाई होती हैं जब भी कोर्ट ये देखती है कि यहां पर क्लासिफिकेशन जायज थी या नहीं थी, तो वहां पर वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की दो दो फैक्टर्स को अप्लाई करके देखती है, दो कंडीशंस को अप्लाई करके देखती है। अगर ये दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो हम मान सकते हैं कि क्लासिफिकेशन वैलिड है, यानी कि उस ग्रुप को अलग से जो लॉज दिए गए हैं वो वैलिड है। अगर वो क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं है तो फिर हम उसको क्लास लेजिस्लेशन कह देते हैं। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि अब एक्चुअली इट इज नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज नहीं है, अब वो क्लास लेजिस्लेशन बन चुका है, यानी कि कुछ लोगों को स्पेशल लॉज बना के दे दिए गए हैं जस्ट बिकॉज दे आर प्रिविलेज्ड। मतलब समझ आ गया कि क्लास लेजिस्लेशन में और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? एनीवन हु हैज अ डाउट? गुड इवनिंग भाविका, जस्ट सॉ योर मैसेज, इज एवरीवन क्लियर विद इट? कौन से दो हमने कंडीशंस लगाए वो क्लियर हो गया? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की दो कंडीशंस है। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट सर। ये बातें वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले बस ये इतना था कि कैमरा बंद करके पढ़ी थी, अब मैं कैमरा चला के पढ़ा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, करा ये सब हुआ है हमने। बाकी लोग भी बता दीजिए, भाविका इज इट क्लियर, तानिया, राधिका, कोई डाउट? हरजिंदा कोई डाउट? मनप्रीत ने बता दिया मुझे, भाविका कोई डाउट? नो सर, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमने इम्पोर्टेंट केसेस से। ये रिविजन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आज मैं इसके आपको केसेस बताऊंगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं होगा तो। अब एक्सेप्शंस की बात हुई थी, ये मैंने आपको भेजे थे, ठीक है? जिसको जिसको डाउट है मैं अभी वो डाउट्स क्लियर कर देता हूँ आपके। 31C की बात करते हैं। 31C ये कह रहा है कि लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी कंटेन्ड इन क्लॉज बी और सी ऑफ आर्टिकल 39। जो आर्टिकल 39 जो डीपीएसपी है उसका जो क्लॉज बी और सी है उसको अप्लाई करने के लिए अगर कोई लॉज बनाए जा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन के लिए अगर कोई लॉज बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर उन लॉज से रिलेटेड हम ये नहीं कह सकते किसी का आर्टिकल 14 जो है वो चैलेंज हो रहा है या फिर किसी का आर्टिकल 14 जो वायलेट हो रहा है। क्योंकि अगर हमें डीपीएसपी को पिक्चर में लेके आना है तो शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है? तो अगर 39 क्लॉज बी एंड सी से रिलेटेड कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी लॉ फ्रेम किया जा रहा है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ये मैंने वैसे ग्रुप में भेजा था। तो अब दूसरा कह रहा है 359(1), हम सब जानते हैं कि 359(1) में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे सारे रद्द हो जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स सारे खत्म कर दिए जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 361 क्या करता है, लेज डाउन दैट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक कि वो लोग अपने ऑफिस में है, यानी कि अपने टेन्योर में है, तब तक उनके खिलाफ कोई वो नहीं हो सकती, तो व्हाट डू यू से, प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, कोई लीगल केस उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो एम्बेसडर्स होते हैं, फॉरेन सॉवरन्स होते हैं, या जितने भी इंटरनेशनल ऑफिसर्स होते हैं हमारे, सबके पास इम्यूनिटी रहती है, जुडिशियल प्रोसेस से बचे रहते हैं ये लोग। इनफैक्ट इनको बाहर की कोर्ट्स भी या बाहर की पॉलिसी बहुत इजीली हाथ नहीं लगाती क्योंकि पूरे टर्म्स खराब हो जाते हैं बिटवीन द कंट्रीज। यूएस के अंदर हमारे एक आईएफएस ऑफिसर को हाथ वाथ बांध के पूरा स्ट्रिप कर दिया गया था बाय द पुलिस, जैसे एक रेगुलर आदमी को किया जाता है, रेगुलर इंसान को किया जाता है, वो फीमेल थी, ऑब्वियसली फीमेल ऑफिशियल्स ने किया होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था दैट देर वॉज अ कंप्लेन बाय हर मेड, उसके मेड के द्वारा कुछ कंप्लेन हुई थी और उसकी वजह से पुलिस ने उसकी छानबीन की थी, उसको स्ट्रिप किया था, एंड शी वॉज, आई मीन इट वॉज अ वेरी वेरी बैड बिहेवियर। सो व्हाट हैपन्ड वाज कि यहाँ से भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद ना यहाँ की जो यूएस की एम्बेसी थी उसके ऊपर से सारे, उसके सामने सारे बैरिकेडिंग हटा दी गई थी, सारी प्रोटेक्शन खत्म कर दी गई थी कि अगर इन केस यहाँ पर अब यूएस एम्बेसी को कुछ भी होता है तो इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे बिकॉज हमारी एम्बेसडर वहाँ सेफ नहीं थी। याद है किसी को ये केस, किसी के सामने हुआ था ये? मैं खुद उस टाइम काफ़ी यंग था एज फार एज आई रिमेम्बर, तो मुझे लगता है आप लोग तो उस टाइम छोटे ही होंगे काफ़ी।
नहीं यार, नहीं पता। यस सर, नो सर, सुना था। हाँ नो सर, ठीक है, हरजिंदर ने सुना था। ठीक है, सर्टेन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स इन देयर प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स नर्सेस। आप जानते हैं कि मेडिकल एसोसिएशन जो है वो डॉक्टर्स को भी इम्यून कर देता है, हमारा लॉ भी डॉक्टर्स को इम्यून कर देता है। तो डॉक्टर के खिलाफ अगर कुछ होता है तो सबसे पहले मेडिकल एसोसिएशन क्या करती है, कोई स्टेप लेती है, उसके बाद फिर लॉ कम्स इन टू पिक्चर। एंड ऑब्वियसली अगर डॉक्टर के हाथ से कोई ऑपरेशन में गलती हो भी जाती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है विच इज अनटूवर्ड, तो डॉक्टर्स क्या होते हैं, इम्यून होते हैं। सेम गोज फॉर नर्सेज ऑल्सो। आर्मी ऑफिशल्स को भी नॉर्मल पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, एंड पुलिस इज ऑल्सो इन अ वे इम्यून। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 14, राइट। चलो आगे चलते हैं, ये हो गए हमारे एक्सेप्शन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की। ये अनवर अली सरकार का केस ना आपको पता ही होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। अब इसमें क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी भाविका फॉर क्लैट, ठीक है, क्लैट के लिए, ठीक है, उसके लिए भी एक केस इंपॉर्टेंट है। बट क्लैट में ना डायरेक्टली लॉ के क्वेश्चंस आते हैं नहीं, लीगल रीजनिंग जरूर आ जाती है बट लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते क्लैट जो यूजी वाला है, अंडर ग्रेजुएट वाला उसमें। बट हाँ, अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और आपको कुछ ना कुछ पता होगा लॉ के बारे में तो इट वुड बी गुड। ठीक है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल ने कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाई थी अंडर द स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, कि कुछ केसेस को उन्होंने ये कहा था कि इन केसेस में जल्दी कार्रवाई होने की जरूरत है, तो उसमें ना स्पीडी ट्रायल शुरू हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ केसेस को अलग कर दिया था बाकी केसेस से और उन कुछ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स चल रही थी। तो यहाँ पर सरकार ने यही कहा था कि यहाँ पर कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया दिख नहीं रहा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उन क्राइम्स में और उन क्राइम्स में, और दूसरी बात कोई ऑब्जेक्ट ऐसा अचीव करने वाला नहीं है बाय दिस पर्टिकुलर लॉ, तो इसलिए उसको इनवैलिड माना गया था। सेक्शन 5 जो था वो चैलेंज हुआ था ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन का या फिर वो जो लॉ बनाया है उसका, उसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कोई टारगेट तो होना चाहिए ना, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कोई ऑब्जेक्ट इसमें अचीव नहीं हो रहा, कि अगर आप कुछ क्राइम्स को अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ क्राइम्स को अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, दे आर ऑल द सेम, ठीक है, तो इनवैलिड माना गया था इसको। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द एक्ट बिकॉज इट कन्फ्रंटेड आर्बिट्ररी पावर्स इन द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई ऑफेंसेज और क्लासेस ऑफ ऑफेंसेज एट इट्स प्लेजर। अपने हिसाब से आर्बिट्ररी का मतलब ये होता है दैट समथिंग विच इज नॉट जायज। आर्बिट्ररी का मतलब विच इज इन अ वे विच इज नॉट फेयर, ठीक है। तो अपने हिसाब से आर्बिट्ररी तरीके से अपने आर्बिट्ररी पावर्स को यूज करते हुए ये लोग ऑफेंसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं और नो बेसिस आज सच। कोई इसमें कोई पॉलिसी या गाइडलाइन क्लासिफिकेशन की नहीं बताई गई थी, और अपने हिसाब से एट देयर ओन स्वीट विल किसी भी क्राइम को स्पेशल कोर्ट में डाल दिया, किसी भी क्राइम को नॉर्मल में डाल दिया। तो नेसेसिटी ऑफ अ स्पीडी ट्रायल वॉज टू वेग। ये जो स्पीडी ट्रायल की जो नेसेसिटी क्रिएट की गई वो भी सिर्फ कुछ ऑफेंसेस के लिए, वो कॉन्सेप्ट ही बड़ा वेग था क्योंकि इनके पास कोई गाइडलाइन या कोई पॉलिसी नहीं थी कि हम किस बेसिस पर किसी एक्ट किसी क्राइम को डालेंगे स्पेशल कोर्ट्स के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है ये कहीं पर भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंडर नहीं आ रहा, और ये आर्टिकल 14 को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है। क्लियर हो गया ये केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको लिख लो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। कहोगे तो पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, एज पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसको, बट फिर भी लिख लो तो अच्छा है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा काम आते हैं, याद भी होती हैं चीजें, कम से कम अनवर अली सरकार का केस तो याद रहना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट केस है ये। ईपी रॉयप्पा, अब ईपी रॉयप्पा के अंदर जो पुराना मेथड था ना क्लासिफिकेशन का, उसको थोड़ा सा बदल दिया गया था। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को तो चलो ठीक है, वो तो आज भी अप्लाई करते ही है, लेकिन इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कहा था, एक नई डॉक्ट्रिन दी थी इन्होंने कि आर्बिट्ररीनेस का टेस्ट होना चाहिए। तो इनका सिंपल ये था, जो जस्टिस भगवती थे, इनका सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने के लिए ये देखो कि लॉ कितना आर्बिट्ररी है। अगर लॉ आर्बिट्ररी है तो ऑब्वियसली आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा होगा, तो
वो ये कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली इंटेलिजिबल डिफरेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू अप्लाई दीज टू थिंग्स कि उसका नेक्सस है या रिलेशन है ऑब्जेक्ट के साथ, या वो एक अलग से कोई क्लास बना रहा है नहीं बना रहा, बस इतना देख लो कि आर्बिट्ररी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो अनफेयर हो, जो ऑन द सर्फेस अनफेयर दिख रहा हो, या कुछ ऐसा दिख रहा हो जैसे कोई अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है, या कहीं पर पावर का मिस यूज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर वो आर्बिट्ररीनेस आपको दिख रही है, तो उन्होंने कहा दैट ऑब्वियसली अगर आर्बिट्ररी है तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भगवत जस्टिस भगवती का, इसको न्यू डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो एक तरह से ओल्ड डॉक्ट्रिन था, दिस वाज द न्यू डॉक्ट्रिन, और ये ईपी रॉयप्पा का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्ररीनेस टेस्ट कहां पर किस केस में आई थी, इट वुड बी ईपी रॉयप्पा केस, ठीक है। The test has subsequently found favor with the Supreme Court and despite its somewhat vague formulation has formed the basis on a number of occasions. बल्कि इसके बाद जस्टिस भगवती के पास तो जितने भी केसेस आए, आप जितने भी इसको डिसीजन उठा लो, सब में उन्होंने यही अप्लाई किया है, बाकी कोर्ट्स ने भी अप्लाई किया है, बाकी जजों ने भी अप्लाई किया है इस डॉक्ट्रिन को, आर्बिट्रेरीनेस के टेस्ट को, ठीक है। फिर ये वाला फेमस केस है जिसके अंदर ये कहा गया था, जो एयर होस्टेस होती हैं, जो फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं फीमेल, जब वो ये 35 ईयर्स वाला तो फिर भी इतना वो नहीं था, द मेन प्रॉब्लम वॉज अपॉन फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये तीन कंडीशंस दी थी इन लोगों ने, इन्होंने कहा था कि अपॉन रीचिंग 35 ईयर्स ऑफ एज, अपॉन गेटिंग मैरिड और अपॉन फर्स्ट प्रेगनेंसी, इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, रिटायर कर दिया जाएगा एक फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट को। तो उन्होंने ये कहा था कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, दिस इज नो रीजन, इसका मतलब ये है, कोर्ट ने जो जज ने उस टाइम कहा था, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं एक फीमेल जो है उसको प्रेग्नेंट होने से रोकना चाह रहे हैं क्या, मतलब जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद अ जॉब शी शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट, एंड समथिंग विच इज सो क्रूशल टू अ फीमेल्स लाइफ, हैविंग अ बेबी, यू कैन नॉट एक्चुअली स्टॉप अ फीमेल फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, ठीक है। द सेम रूल्स वर नॉट एप्लीकेबल टू मेल अटेंडेंस, ऑब्वियसली मेल अटेंडेंट्स प्रेग्नेंट नहीं होते। द कोर्ट स्ट्रक द रूल्स डाउन होल्डिंग दैट दीज रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफिशियल आर्बिट्ररीनेस। अब यहाँ पे आर्बिट्ररीनेस का रूल लगाया गया था, यहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बजाय दे अप्लाइड आर्बिट्ररीनेस, इन्होंने कहा ये तो आर्बिट्ररी है, दिस इज समथिंग विच इज इन अ वे नॉट फेयर, अनफेयर है, अनजस्ट है, ठीक है, और एक होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ पर, राइट। विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा केस सबसे इंपॉर्टेंट केस, हर किसी को बाय हार्ट याद होना चाहिए विशाखा केस। विशाखा केस में इन्होंने 14, 19 और 21 की बात की थी कि जब एक फीमेल को सेक्सुअली हैरेस किया जाता है इन द ऑफिस, तो उसका आर्टिकल 14 भी तो वहां पर हिंडर हो रहा है, वो भी तो वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 14 का मतलब कि ऑब्वियसली वो इक्वली बाकी लोगों के साथ काम नहीं कर पा रही, अ मैन और लेट्स से फीमेल इज सेक्सुअली हैरेसिंग अनदर फीमेल, और अ मैन इज सेक्सुअली हैरेसिंग अ फीमेल, इन दैट केस ऑब्वियसली हर आर्टिकल 14 इज गेटिंग वायलेटेड। तो इन्होंने ये कहा था कि वर्किंग वुमेन के लिए, कोर्ट ने कहा था कि वर्किंग वुमेन के लिए कुछ लॉ होना चाहिए, लेकिन जब तक वो लॉ नहीं बनता तब तक हम विशाखा गाइडलाइंस देंगे। आज भी विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवा कर उसके ऊपर सिग्नेचर करवाया जाता है कॉरपोरेट में। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए, बीट एनी टॉप ऑर्गेनाइजेशन, इंफोसिस, TCS, केप जेमिनाई, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, जहां जहां मुझे पता है, सारी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू में ही जितनी भी विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी, वो सारे के सारे टर्म्स देकर उस पर साइन करवाया जाता है कि आप सब इस बात से अग्री करते हैं कि आप इस तरह कहीं पर भी किसी फीमेल को असॉल्ट करने की विद इन ऑफिस प्रेमाइसेस और आउटसाइड कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी कहा गया था दैट इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 व्हेन अ फीमेल इज सेक्सुअली हैरेस्ड, 14, 19 एंड 21 ऑफ कोर्स। द कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लिसिट इन द वेरियस फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने ये कहा है कि एज सच कोई अलग से प्रोविजन तो नहीं है फॉर अ वर्किंग वुमेन, लेकिन जो बाकी आर्टिकल्स हैं, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अंदर बहुत क्लियर है, ऑब्वियसली इफ अ वुमेन इज गेटिंग सेक्सुअली हैरेस्ड, उसका आर्टिकल 19 जा रहा है। आर्टिकल 19 में आप उठा के देखिए, उसका स्पीच है, उसका एक्सप्रेशन है, वो सब उसका वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी आप कहीं ना कहीं दे कैन नॉट फॉर्म एन एसोसिएशन और समथिंग, बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर गेटिंग सेक्सुअली हैरेस्ड। देन आर्टिकल 14 इक्वालिटी, दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग सेक्सुअली हैरेस्ड।
देन ऑब्वियसली लाइफ एंड लिबर्टी इज गेटिंग वायलेटेड, 21 इज गेटिंग वायलेटेड. सो दिस इज ऑल इम्प्लिसिट इन दीज फंडामेंटल राइट्स, कि अगर फीमेल को असॉल्ट किया जाता है या हैरेस किया जाता है तो वहां पर उसके फंडामेंटल राइट्स वो हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं. ठीक है, फिर नालसा का केस आया था, ये तो बहुत ही क्रूशल केस है. ट्रांसजेंडर्स को रिकग्निशन मिला था 2014 में, केस आया था. तो यहाँ पर इनको रिकग्निशन मिला था 2014 में, जो थर्ड जेंडर जिसको कहा जाता है, दे गॉट रिकग्निशन. तो ये भी आर्टिकल 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कि जब इनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो ऑब्वियसली आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है. बेगिंग को लेकर देर वॉज दिस बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, इसमें से इन्होंने 25 सेक्शन रिमूव करवाए थे. इन्होंने कहा था कि आप बेगिंग को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिमिनलाइज बेगिंग. ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जो सबसे छोटा तबका है सोसाइटी का, जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो कमा भी नहीं पा रहा, वो बेग कर रहा है. तो अगर आप इसको भी क्रिमिनलाइज कर दोगे, दैट मीन्स उनका बेसिक राइट भी आप छीन रहे हो, जीने का, जिंदा रहने का भी हक छीन रहे हो आप उनसे. तो आर्टिकल 14 ऑब्वियसली वायलेट हो रहा है. आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है, कि एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड वी नीड टू हैव स्पेशल राइट्स फॉर सम स्पेशल ग्रुप्स. तो यहाँ पर आर्टिकल 14 वायलेट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट. ठीक है, सायरा बानो का केस था, ये आपको पता ही होगा, ट्रिपल तलाक का जो केस है. यहाँ पर ऑब्वियसली 14, आर्टिकल 14 क्यों वो हो रहा था, वायलेट हो रहा था, क्योंकि एक मेल तो एक फीमेल को कर सकता है, लेकिन फीमेल एक मेल को नहीं तलाक 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 कर सकती ना. और जेंडर इक्वालिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, फीमेल इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ कमोडिटी, या फिर फीमेल का कोई वैल्यू नहीं है वहां पर, अगर आप तलाक 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 करके किसी को छोड़ रहे हो. तो ट्रिपल तलाक के केस में भी इट वॉज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. अब ये वाला केस, सबरीमाला केस, आई होप हम सबको पता होगा कि मंदिर में फीमेल्स अलाउड नहीं थी. इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 दैट फीमेल्स आर नॉट अलाउड. तो फिर अलाउ कर दिया गया था. नवतेज सिंह जौहर का केस था, 2016 केस है. जो लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में होते थे, जैसे कि फीमेल फीमेल मेल मेल, 377 उसको क्रिमिनलाइज करता था. तो इसको रिमूव कर दिया गया था, इस केस में 377 को स्टॉप डाउन कर दिया गया था. और ये कहा था कि ऑल्दो मैरिज अलाउड नहीं है, मैरिज इज नॉट अलाउड, बट सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है दैट इज नॉट बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स. ये भी एक समझने वाली बात है, 18 से नीचे का अगर कोई है और वहां पर कंसेंट नहीं है तो दैट वुड अमाउंट टू रेप. तो कंसेंटिंग अगर एडल्ट्स हैं और सेम सेक्स रिलेशनशिप बन रहा है, इन दैट केस इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, विच इज इन अ वे वैलिड ऑल्सो. वैलिड क्या, बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से विद सोसाइटी चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है वैसे वैसे ये सारे रूल्स आ रहे हैं सामने. तो यहाँ पर 497 को हटाने का पर्पस दो तीन थे. एक तो यही था कि ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरत को. इसमें ना एक स्टेटमेंट आती है, इसमें कॉन्सेप्ट, मतलब एक पॉइंट आता है इस सेक्शन के अंदर, वो ये है कि वो फीमेल या कोई ऐसा मेल जो मैरिड फीमेल के साथ रिलेशनशिप में है विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ हर हस्बैंड. तो ये जो विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ हर हस्बैंड था, इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड कॉन्सेंट देगा कि मेरी वाइफ इस आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह सकती है, तो फिर वो जो थर्ड आदमी है जो रिलेशनशिप रख रहा है, तब उसको क्राइम नहीं माना जाएगा. ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम इस सेक्शन के अंदर ये थी कि ये खाली ना उस मेल को क्रिमिनल मानता था, ऑफेंस खाली उस आदमी का होता था जिसने उस फीमेल के साथ रिलेशनशिप रखा. जो वाइफ होती थी उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाता था, शी वॉज फ्री, फ्री एज इन शी वॉज नॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड. तो ये रीजन थे कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 एक्चुअली इसमें मेल और फीमेल दोनों का ही वो हो रहा था, वायलेट हो रहा था. मेल का इसलिए हो रहा था क्योंकि जिस फीमेल के साथ उसने रिलेशनशिप रखा, क्योंकि वो किसी की वाइफ है तो उस फीमेल को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इस थर्ड पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाएगा खाली, क्योंकि ये माना जाता है कि फीमेल जो होती है शी इज इनोसेंट,
आदमी उसको फुसलाता है, तो ये फीमेल जो है ये प्रोसिक्यूट नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट ये था जो कॉन्सेंट ऑफ द हस्बैंड वाला पॉइंट था, उसमें ये आ जाता है दैट अगर हस्बैंड कॉन्सेंट देगा तो क्या वो आदमी फ्री हो जाएगा, दिस वॉज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहां पर भी फीमेल को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि वो अपने हस्बैंड के कॉन्सेंट पे चल रही है। और उसमें तीसरी बात एक और थी जो समझने वाली थी कि अगर एक मैरिड हस्बैंड किसी अनमैरिड लड़की के साथ रिलेशनशिप रखेगा तो उसको लेके कोई प्रोविजन नहीं था। यानी कि लेट्स से हस्बैंड वाइफ हैं, हमने ये तो कह दिया कि एक थर्ड पर्सन आया उसने वाइफ के साथ रिलेशनशिप रखा, तो ये आदमी जो है इसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल मैरिड है किसी से। लेकिन अगर यही आदमी, ये जो मैरिड आदमी है, ये अगर किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप रखता है तो इसको किसी लॉ के बेस पर प्रोसिक्यूट किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो फीमेल किसी से शादीशुदा नहीं है तो आप इसको कैसे प्रोसिक्यूट करोगे? बाइगैमी इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बाइगैमी में तो दूसरी शादी कर दी, बट यहाँ पे दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। यहाँ पर समझ आ गया? ये दो तीन चार पॉइंट थे, मैं इसके लिए जजमेंट भेजूंगा। बहुत मजेदार इसका जजमेंट था, एक एक पॉइंट अगर आप उसका पढ़ते हो ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। आई विल सेंड द जजमेंट टू यू, बट आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब यू ऑल टुगेदर, सबको क्लियर है? आगे चले? यस नो? मनप्रीत ने तो यस लिख दिया, बाकी लोग सब साथ हैं मेरे। कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो यहां पर तो सीआरपीसी का इन्होंने 198 क्लॉज 2 भी हटा दिया था, क्योंकि यहां पर जो था ओनली अ हस्बैंड कैन फाइल चार्जेस फॉर ऑफेंसेस अंडर 497। खाली हस्बैंड के पास राइट था, फीमेल के पास कोई राइट नहीं था कि वो हस्बैंड के खिलाफ केस कर सके। बट यहां पर भी वही बात आती है, सोसाइटी इवॉल्व कर गई है। तो एक्चुअली ना ये कोर्ट ये कहती है, इसमें लॉ ने ये कहा था कि ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है कि मैरिज में रहकर कोई एडल्ट्री करना चाह रहा है, कोई बाहर रिलेशनशिप रखना चाह रहा है, इसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास सॉल्यूशन ये है, यू हैव दिस रेमेडी दैट यू कैन टेक अ डाइवोर्स, आप डाइवोर्स ले लीजिए, लेकिन या फिर आप उस इंसान के साथ मत रहिए। ये सारे प्रोविजंस तो आपके पास हैं, बट आप किसी को इस बात के लिए क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते वो शादी में होकर कहीं और वो कर रहा है, कहीं और रिलेशनशिप रख रहा है। ठीक है, दैट इज समथिंग वी कैन नॉट कॉल एन ऑफेंस, ऑफेंस नहीं मान सकते आप उसको। चलिए, यहां पर ये तो हो गया खत्म, अब पार्लियामेंट शुरू करें।